ओके। तो दोस्तों ये गाड़ी है मेगा एक्सेल, सॉरी मेगा एक्सेल तो नहीं है, इंजन तो सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है इसमें। इस गाड़ी में जो फॉल्ट है, ये कस्टमर का कहना है कि ये गाड़ी थोड़ी पास में आ जाए, थोड़ी गाड़ी ये है पिकअप नहीं ले रही, और गाड़ी एक्सेलेटर भी फुल एक्सेलेशन करने पर भी ये गाड़ी जो है ये नहीं, मतलब कि एक्सेलेटर फुल नहीं ले रही है और ब्लैक स्मोक काफ़ी मार रही है, वाइट और ब्लैक। और इसमें इंजन ऑयल भी जो है वो एक दिन बोल रहा था कि इसमें लाइट आ गई थी इंजन ऑयल वाली, तो हमने इसका इंजन ऑयल चेंज करवाया, तो लेकिन गाड़ी में जो प्रॉब्लम है ये नहीं गई। तो अब हमारे पास ये गाड़ी आई है, इसको करेंगे चेक हम अपने तरीके से क्या प्रॉब्लम है। तो आ जाओ आपको इंजन कंपार्टमेंटल की ओर ले चलते हैं। इसका इंजन कंपार्टमेंटल हमने ऊपर से सारा बॉनेट इसका बाहर निकाल दिया, ये इसका मीटर, और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट किया, इसमें कोई चेक लाइट भी नहीं आ रही, ठीक है, चेक लाइट भी नहीं आ रही। तो गाड़ी के एक्सेलेटर देते हैं, ऐसा कोई रेस नहीं ले रही, बस तो ये बीच बीच में कितना धुआं मारती है कि कोई हद नहीं इसकी, ठीक है, ठीक है। गाड़ी मिस्सी कैसे करी, तो आप देख सकते हो हमने इसमें जो प्रॉब्लम पकड़ी है वो ये है कि ऐसे ये पाइप इसकी हम गोट के देखना गए एक्सीलेटर देना, तो ये देखो ये कोई एक्शन नहीं ले रही है ना, और धुआं अंदर रिकॉर्ड करा हुआ, सीधा आंखों को धुआं लग रहा है इसका। तो गाड़ी को करते हैं बंद, पहले मैं फिर से आपको बता दूं ये पाइप फूलनी चाहिए, इसका मतलब इसके कहीं से पाइप फटी है या इसका टर्बो काम नहीं कर रहा। तो चलिए देखते हैं, ये इसका फिटिंग खोली हमने, पाइप कोई फटी निकली नहीं वैसे, तो सारा इसको चेक कर लिया। तो इसका भी हम पाइप को डिसमेंटल करेंगे और अंदर से टर्बो देखेंगे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। तो ऑयल भी काफ़ी आया इसमें, कचरा आप देख सकते हो उसमें, मैं कचरा बताता हूँ आपको, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, काफ़ी अंदर कचरा है इसके। वो देखो कितना कचरा है इसमें, ठीक है, ये मैं ऐसे हाथ के साथ निकाल के बताता हूँ, काफ़ी कचरा है इसके अंदर, जहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, ये पाइपलाइन अच्छे से बढ़िया से क्लीन होगी। तो चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं फिर से, और इसमें चेक लाइट भी नहीं आ रही, हाथ भी नहीं खींच रहा अंदर से, क्योंकि इंजन ऑयल भी काफ़ी आ रहा है और यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रेशर बिल्कुल नहीं दे रहा है, ये देख सकते हैं, है ना, ये देखो। अब जहाँ से हम रोकते हैं तो ये कैसे पाइप होती है ना, लेकिन जैसे इसको लगाते हैं ये कोई एक्शन नहीं है, है ना। अगर हम इसको बंद करते हैं तो इसका मतलब
ये जैसे और ये देखो मतलब ये पाइपलाइन सारी ओके है और ये अंदर खींच नहीं रहा अपनी तरफ, उसको करते हैं चेक। तो टर्बो की इसकी टर्बो के सामने मैंने बाहर निकाल लिया है, इसमें काफ़ी प्ले है और इसके जो पंखे हैं ना अंदर, जो इसके पंखे हैं वो भी टूट चुके हैं, जो सक्शन करते हैं एयर को अंदर वो टूट चुके हैं। ठीक है, अब इसको कोर को निकालेंगे बाहर, फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी नेक्स्ट क्या लेवलिंग है। और मेन कारण किसका हुआ है, ये इसका हाउस पाइप जो है यहाँ से फट चुकी है, ये आप देख सकते हो एक पीस ये रहा एक ये रहा। ठीक है, ये फट चुकी है जिससे ये डायरेक्ट बाहर से एयर जो अंदर इंस्टॉल हुई इसके टर्बो के अंदर डस्ट वाली, इसके कारण ये हमारा टर्बो का कोर है वो जिससे टूट चुकी है। ठीक है, निकालते हैं इसको बाहर उधर जाके। ठीक है, फिर मैं उसके बाद आपको फिर बताता हूँ। तो फाइनली इसका टर्बो ने बिखेर दिया, ये रही इसकी कोर। ठीक है, तो ठीक है ये कोर रही इसकी। अब आप अंदाजा लगा सकते हो इसमें कितनी प्ले है। मैं ये देखो इतनी प्लेस में नहीं चलेगी, और दूसरा ये बीच बीच में जाम भी हो रहा है और शाफ्ट इसके अंदर से वेंट हो चुकी है, जब हम घुमाते हैं तो ये थोड़ा ये देख सकते हो ना शाफ्ट वेंट हो चुकी है, ये टेढ़ा घूमता है ये। ठीक है, और इसके जो पंखुड़ी है अंदर ये जो ये कट चुकी है, तो जब ये इसके पंखे जो कट जाएंगे तो ये अंदर सक्शन नहीं करेगा, है ना, इस ये अंदर सक्शन कर ही नहीं सकता। फिर जब सक्शन नहीं करेगा, आपने देखा मैंने पाइप को कैसे मतलब कि पकड़ के रखा था, तो जैसे मैं एक्सीलेटर देता तो उसको पाइप को फूलना चाहिए था, अगर फूलती तो उसका मतलब टर्बो अच्छे से काम कर रहा है, बाहर वाली जो एयर है अच्छे से सक्शन कर रहा है और आगे इंजन को दे रहा है। ठीक है, इससे गाड़ी की जो पावर है वो बढ़ती है, और गाड़ी तो एक्सीलेटर भी नहीं ले रही थी, है ना, ये 3500 से 4000 के बीच में आरपीएम रह रहा था, वो भी मिसिंग इतनी ज़बरदस्त थी, क्योंकि उसकी जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता थी वो रुक गई। मैं क्या करेंगे, न्यू कोर गैरेट कंपनी की बढ़िया वाली जो निकली है वो इसमें डाल देंगे, तो जैसे हम डालेंगे तो गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो ध्यान रखना ये न्यू के साथ नहीं आएगी, ये जो वो इसका ओरिंग है ना, तो ये इसका ओरिंग जो है ये अच्छे से निकाल के रख लेना है एक साइड पे, है ना, तो साफ करके अच्छे से ये फेंक देनी है, सेम ये स्टड खोल के उसमें फिट कर देंगे और इसी सेम कंपनी के डाल देंगे, इसको अच्छे से वाश कर लेंगे, अंदर से भी अगर कार्बन हुआ तो वाल जो है वो साफ़ कर देंगे। ठीक है, ये वैसे अभी तो काम बढ़िया से कर रहा है इसका, तो न्यू डालते हैं, फिर हम आपके साथ बाकी बात साझा करते हैं, तो गाड़ी भी बताएंगे स्टार्ट करने के बाद भी, और टर्बो की कोर जो हम डाल रहे हैं वो भी बताएंगे। ये गैरेट कंपनी के हैं, है ना, ये गैरेट कंपनी का है, ये आप देख सकते हो, इस पे गैरेट लिखा है, यार ब्लर कर रहा है कैमरा। ठीक है, ये गैरेट लिखा है, अच्छा जी, इंटरकूलर का खोल लिया है, ये आप देख सकते हो इसमें इंजन ऑयल कितना बड़ा बड़ा है, थोड़ा इसका इंजन ऑयल है ना, इसको भी अच्छे से डीजल मार के क्लीन करके फिर ही वेट करना है, वरना ये वाला इंजन ऑयल अगर इंजन में गया तो फिर ये गड़बड़ी करेगा, वाइट स्मोक देगा गाड़ी, वाइट स्मोक की समस्या नहीं जाएगी और गाड़ी ओवर रेस होने के फुल चांस रहते हैं इसमें। ठीक है, अब इसको डीजल मार के अच्छे से सर्विस करवाते हैं इसकी। तो फाइनली टर्बो भी इसका फिट हो चुका है, आप देख सकते हो अंदर कोर, और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट फिटिंग। ओके, गैरेट कंपनी का डाला है ओरिजिनल, और ये इसमें से कैप ही निकली है गैरेट की, आप देख सकते हो, और एक्सीलेटर भी फुल हो गया, और जब भी टर्बो उठता है तो ये पाइप प्रेस नहीं प्रेस हो जाती है, पर इसमें सक्शन नहीं करता है, ये देखो अभी
ठीक ठीक तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। बने रहना मेरे चैनल के साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। यह जो टर्बो की कोर है ये हमें 6000 की मिली है, तो आपके उधर क्या प्राइस है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। 6000 की को इसमें कोर पर डली है ओरिजिनल, तो आपके उधर क्या प्राइस है वो हमें ज़रूर बताना। और दूसरा ये एक पाइप अंदर, ये जो आप देख सकते हो ये भी हमने न्यू डाल दिया नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है। नीचे से फिटिंग भी हो चुकी है इसकी। तो ये थी मैग एक्सल।